दोस्तों, जब भी आप अपने किसी भी पोस्ट के यूआरएल को गूगल सर्च कंसोल में इंस्पेक्ट करते हो तो वहाँ पर कुछ इस तरीके का एरर लिखा हुआ आता है। इस तरीके का नहीं, इस तरीके का। तो अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं हुई है तो फिर आपकी थोड़ी सी दिल की धड़कनें वो बढ़ने लगती हैं। तो आप क्या करते हो, आप उसी यूआरएल को कॉपी करते हो और फिर गूगल में जाकर उसकी इंडेक्सिंग चेक करते हो। क्या बोलते हो, नहीं आता गूगल में इंडेक्सिंग, कैसे चेक करते हैं? तो आई बटन में वीडियो है, उसे जाकर कंप्लीट देखना वीडियो, आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, अगर आप साइट लिखकर कॉलन लगाकर और अगर आप यूआरएल को पेस्ट कर एंटर मारते हो तो फिर आपके आपको वहाँ पता चल जाएगा कि आपकी पोस्ट, जो भी ब्लॉग पोस्ट है, वो गूगल में इंडेक्स हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर आपकी ब्लॉग पोस्ट गूगल में इंडेक्स हुई है तो आपको कुछ इस तरह का जो मैसेज होगा वो शो होगा, और इंडेक्स अगर नहीं हुई है तो फिर इस तरह का। दोनों केस में अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स हो जाती है तो ठीक बात है, नहीं होती है तो फिर आपका होता है थोड़ा सा दिमाग ख़राब। आप फिर ट्राई मेथड वगैरह वगैरह चीज़ को करने लगते हैं सर्च के कहीं से कुछ हो जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इस बात को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में हम तीन पॉइंट पर बात करेंगे। पहले प्रॉब्लम के बारे में, लोगों को और जो मेरे भाई हैं उनको क्या क्या दिक्कत आ रही हैं इंडेक्सिंग के रिगार्डिंग। दूसरा बात करेंगे हम रीज़न के बारे में कि क्या वो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपकी ब्लॉग पोस्ट जो होती है वो गूगल में इंडेक्स नहीं हो पाती है। तीसरा हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो गूगल है वो फटाफट से आपकी जो वेबसाइट है, ब्लॉग पोस्ट है, इंडेक्स कर ले, क्रॉल करें, इंडेक्स कर ले और उसे फटाफट से रैंक दे दे। इन तीनों चीज़ों पर हम बात करेंगे और तीनों ही चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक होंगी, तो वीडियो को स्किप करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। और अगर स्किप कर देते हो तो फिर मुझसे मत बोलना कमेंट में कि भाई आपने बताया था और इससे हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं। तो सबसे पहले नंबर वन पर वो लोग होते हैं जिनकी ब्लॉग पोस्ट ना ही भाई क्रॉल हो रही है ना ही इंडेक्स हो रही है, तो उनको इस वीडियो में सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरे होते हैं वो लोग जिनकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो तो रही हैं, पहले हुई थी पर अब धीरे धीरे गूगल उनको डी इंडेक्स कर रहा है, उनकी अब ब्लॉग पोस्ट कोई भी इंडेक्स नहीं हो रही। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जिनकी भाई जो पुरानी पोस्ट हैं, अगर काफ़ी टाइम से आप ब्लॉग पर काम कर रहे हो, वेबसाइट पर काम कर रहे हो, तो पुराने जो ब्लॉग पोस्ट हैं वो डी इंडेक्स हैं, वो इंडेक्स ही नहीं हो रही हैं, और जो नई ब्लॉग पोस्ट हैं वो इंडेक्स हो रही हैं। तो ऐसा में उन लोगों को पता नहीं है कि यार वो इसकी खुशी मनाएं क्या गम मनाएं। और आप चौथे नंबर पर आप बात करते हैं, चौथे नंबर पर आते हैं वो लोग जिनकी भाई ब्लॉग पोस्ट धड़ाधड़ वो डालते हैं, विद इन 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ही उनकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स भी हो जाती है, क्रॉल भी कर लेता है, इंडेक्स भी हो जाती है और भाई रैंक भी हो जाती है। तो वो होते हैं मेरे जैसे लोग, उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती हैं पर वो सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप भी फोर्थ कैटेगरी में आना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रीज़न के बारे में, वे क्या क्या रीज़न होते हैं जिनकी जिनसे आपकी ब्लॉग पोस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो बिगड़ती है, ख़राब होती है और आपको इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आती जाती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो प्रॉब्लम आती है तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको भी थोड़ी क्लियरिटी मिले। तो पहले क्या होता है, जब आप ब्लॉग पोस्ट, जब आप कभी भी वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं, तो आप जब ब्लॉग पोस्ट डालना स्टार्ट करते हैं तो अब क्या होता है, आपने पहले दिन एक ब्लॉग पोस्ट डाली, दूसरे दिन डाली, तीसरे दिन डाली, तो अब क्या करते हैं गूगल, पहले दिन जैसे ही गूगल को पता लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट डाली है तो वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए आता है। पहले दिन आया, उसे ब्लॉग पोस्ट मिली, वो क्रॉल कर कर चला गया, इंडेक्स भी कर लिया। वो दूसरे दिन आया, दूसरे दिन आपने ब्लॉग पोस्ट पब्लिश की, उसे ब्लॉग पोस्ट मिली, क्रॉल कर कर चला गया। तीसरे दिन आया, आपने ब्लॉग पोस्ट नहीं डाली, उसको कुछ नहीं मिला, वो चला गया। अब चौथे दिन आपने भी ब्लॉग पोस्ट नहीं डाली, वो फिर आया गूगल का क्रॉलर, फिर उससे ब्लॉग पोस्ट नहीं मिली, फिर वो चला गया। अब पाँचवें दिन आपने ब्लॉग पोस्ट डाली, गूगल का क्रॉलर आया, उसने उसको आपकी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट मिली, उसने
इंडेक्स कर लिया तो आप गूगल के क्रॉलर को क्या मैसेज जाएगा? गूगल के क्रॉलर को मैसेज जाएगा कि बंदा शुरू में रेगुलर था, अब इसने बीच में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं की और अब मुझे दूसरे दिन के बाद ब्लॉग पोस्ट यहाँ मिलेगी। तो अब जब भी आप अगर अगले दिन को ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करते हैं तो गूगल का क्रॉलर आएगा नहीं, वो दो दिन के बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट पर आएगा। तो यही सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो यही होता है आपको कंसिस्टेंसी। स्टार्टिंग में तो अगर आप कोई भी नई वेबसाइट बनाते हैं तो स्टार्टिंग के 100 डेज उस किसी भी वेबसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 100 डेज तक आपको प्लानिंग से काम करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्लान नहीं पता और प्लानिंग से काम करना चाहते हैं जिससे आपको परफेक्ट तरीके से रिजल्ट मिले जो फुल प्रूफ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। लाइव प्रूफ के साथ आपको एक टाइम टेबल दूंगा जिस पर अगर आप ठीक तरह से परफेक्ट तरीके से काम करते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो मेन रीज़न यही होता है इनकंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से गूगल आपकी जो ब्लॉग पोस्ट हैं उनको इंडेक्स नहीं कर पाता और आपकी जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं होती। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है आप आज के टाइम में क्या है, गूगल पर बहुत कंटेंट है, आप किसी भी नीश में जाइए आपको वहाँ पर भर भर कर कंटेंट मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप ऐसी नीश पर काम कर रहे हैं जिस पर हज़ारों करोड़ों की तादाद में गूगल के पास वेबसाइट हैं तो गूगल इतने सारे कॉन्टेंट को क्या करेगा? को अपने कॉन्टेंट में देखना है कि गूगल आपकी वेबसाइट को क्यों क्रॉल करे, क्या यूज़र को जो भी उसे पढ़ना आएगा उसे वैल्यू मिले। तो मेनली दो ही रीज़न होते हैं और कोई भी होते हैं, पर इन पर अगर काम कर लेते हैं तो आपकी जो भी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप क्या करना है, पहले तो आपको कंसिस्टेंसी बना कर रखनी है। दूसरा, अगर किसी तरह से आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, सबको आ जाती है, तो आप कोई अलग कोले पे से नहीं आए हैं, आप इसी दुनिया के प्राणी हैं, तो इस बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी। आप कंसिस्टेंसी नहीं बना कर रखते हैं तो फिर आपको क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट पर सबसे पहले बैकलिंक बनाइए। हाई अथॉरिटी जो भी वेबसाइट होती हैं, कोरा, मीडियम, ट्विटर, इन पर आपको अपनी ब्लॉग पोस्ट को शेयर करना है और अपनी ब्लॉग पोस्ट के बैकलिंक बनाते हैं, स्पेशली कोरा और मीडियम और पिंट्रस्ट, इन पर टम्बलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन वेबसाइट पर बैकलिंक बनाइए, जिससे क्या होगा जब भी गूगल इन वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो वो इनके थ्रू आपकी वेबसाइट पर भी आएगा, तो आपकी जो ब्लॉग पोस्ट होगी वो क्रॉल करेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है और मैक्सिमम लोग आपको यही सलाह देते हैं। मैंने भी जब मेरी वेबसाइट पर थोड़ी दिक्कत आई थी तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग, पिंग वेबसाइट, पता नहीं वगैरह वगैरह, पर उससे मुझे रिजल्ट उतना मिला नहीं। तो आप इस मेथड को ट्राई कीजिए। नंबर दो पर जो मुझे सबसे इफेक्टिव लगा, अगर आप थोड़े इनकंसिस्टेंस भी होते हैं अपनी वेबसाइट पर तो फिर भी आपके रिज़ल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो है गूगल न्यूज़ अप्रूवल। आपको अपनी वेबसाइट पर गूगल न्यूज़ अप्रूवल लेना है और यकीन मानिए जब से मैंने ये काम किया है ना, इंडेक्सिंग 10 मिनट्स के अंदर ही मेरी वेबसाइट की हो जाती है और ब्लॉग पोस्ट भी रैंक हो जाती है। तो आपको गूगल न्यूज़ अप्रूवल के रिगार्डिंग बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, या फिर अगर आप मेरा मेथड जानना चाहते हैं जिससे आप 99.99% अप्रूवल ले सकते हैं, 0.01% वो किस लिए, क्योंकि कुछ नीश में होते हैं, कुछ कंटेंट में कभी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से नहीं मिल पाता, पर अगर आप मेरे से चाहते हैं जो हाई इफ़ेक्टिव हो अप्रूवल के, ज़्यादा से मैक्सिमम चांस हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। परफेक्ट ऐसा मेथड बताऊँगा ना जिससे आपको इतनी जल्दी रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको इन दोनों पॉइंट पर काम करना है और दोनों पॉइंट पर काम करने के बाद इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि आपकी इंडेक्सिंग में क्या सुधार हुआ। तो ये थी वो वीडियो, आई होप आपको इसको फॉलो करना है और रिज़ल्ट खुद आप देखेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, रिज़ल्ट बोलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।